गाइस अस्सलाम वालेकुम, फाइनली बैक विद न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब भाई? होप सब ठीक हो गए, सेहत भी ठीक हो गई। तो अभी उठा आपका भाई? अभी नहीं उठा, काफ़ी देर से उठा। नाश्ता वाश्ता हम लोग कर लिया। आए खिड़की गंदी है, हालत ही नहीं है कमरे की। ऊपर से अभी नहाया हूँ, फ्रेश हूँ। वरना ये देखो पाऊँ इसे पानी नहीं था लगना, लेकिन लग गया। फिलहाल कमरे की हालत बहुत डाउन हुई हुई है, बहुत ख़राब। इसको भी सफाई करेंगे, टोटल सफाई हालत देख रहे हो अभी। इसकी भी टोटल सफाई करनी है, और माशाल्लाह से अजान भी हो गई है, इसीलिए हम टाइम से उठे हैं। ना तो कि हमने क्या नमाज पढ़ी। अल इसी करते हैं सफाई, फिर जो सीन होता है आपको दिखाते हैं, क्योंकि इधर हम अकेले हैं। जो सीन लग गया तो लग गया, व्लॉग हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हो गया देखा जाएगा, अल्लाह ख्याल करेगी। तो जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक आपको कमरे की सफाई करने के बाद। सबसे पहले तो करते हैं ना अपने ज़ख़म की सफाई, समझ रहे हो। इस पर पायोडीन वगैरह वो मैंने डेटोल से साफ किया है इसको, क्योंकि पानी जो लग गया इस पर। जी तो फिलहाल होगी है पूरी सफाई, झाड़ू झाड़ू आ गए बैठे हैं, देखो फुल नीट एंड क्लीन ओके कर दिया है। अभी चलते हैं नमाज की तरफ, नमाज का टाइम लेट हो गया, नमाज खड़ी होती है। ओह चाबी, लेट्स गो। जी तो बस नमाज शमाज पढ़ लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो सीन होता है, कोई आ गया तो चले जाएंगे कहीं बाहर घूमने शूमने, नहीं तो जो सीन होगा डेली की तो क्यों करेंगे वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। यस वाई नॉट मेरी जान, क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं, हम अकेले भी हैं लेकिन आपके लिए बनाते रहेंगे व्लॉग्स। नमाज शमाज पढ़ लिया, आपके भाई ने आए खाना खाने, भूख लगी है तो खाना खाने। ये एकाद वाली जगह पे आ गए, बहुत वल्ला मज़े का खाना था इनका। आपके भाई को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कह रहा आज फिर जाते हैं खाना खा के आते हैं। तो इधर गाड़ी अलाउ नहीं है चलाना, समझ गए, लेकिन फिर भी आपका भाई थोड़ी हल्की फुल्की छुप के चला रहा है इधर। अगर गाड़ी चलाते हुए अगर ये देख लें, देख तो लेते हैं, फिर मेन रोड पर अगर चलाऊँ तो वल्ला पाकिस्तानी, मतलब इधर के 200-300 का तो पक्का जुर्माना है। मतलब पाकिस्तानी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का जुर्माना, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरे पर लाइसेंस नहीं है तो। आज इधर के रूल बहुत सख्त हैं। तो अभी गाड़ी हम करते हैं थोड़ी सी पार्किंग में, आगे करते हैं। ऐसे वल्ला मुझे इधर का वो नहीं था पता, वो लेफ्ट है ना इस साइड पे, ये देखो हम उधर होते हैं हमारी पाकिस्तान में साइड पर स्टेयरिंग होता है, तो यही साइड पर है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे से चलाना जिस टाइम मैंने उधर चलाई है। किधर गए थे वो पिछले व्लॉग आपने देखे होंगे, उस जगह पे मैंने जब फर्स्ट टाइम ड्राइव की है, तो बहुत मुश्किल हो गया था चलाना, समझ ही लाग रहे थे खब्बे सजेगी। चलो फिर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं, जो सीन है उसके बाद का वो भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, ये ना हो आप हमसे लादा हो जाओ। ओके है, सीन कुछ ऐसे थे कि पीछे काम हो रहा था, शोर बहुत आ रहा था, इस वजह से मुझे करना पड़ा वॉइस ओवर। तो खाना आ गया था हमारा इतनी देर में, खाना शाना देखा हमने, ज़रा वीडियो शूट बनाई है उसके, हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाएं साथ साथ। तो बहुत मज़े का खाना था, इसको हमने डाला छापर में, सारा उल्टा किया पूरी प्लेट के, तो फिर टूट पड़े हैं इस पर सही। जी भाई ये तो खाना शाना हमने खा लिया है, अभी हमने स्विच सा एक लेना है, वो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा वैसे तो। फिर उसके बाद जो सीन होता है दिखाते हैं। ये पाकिस्तान से मिल नहीं रहा था, वो इधर से मिल ही नहीं रहा था। दूसरा वाला दिखाओ, बड़े वाला, इसके बटन भी लगे हैं। ये इतनी रुपये ना पाकिस्तान में लाभ जाना, लेकिन ये करिए महंगाई के दौर में। एक रियाल 500, ये कितने का? एक रियाल 500 पैसा,
अपने जरा जिगर बात ये है ना, तुम और मुझे भी चेक कराओ जी। तो यही है 400 पैसे का, अपने के पास कितने खबर देते हैं इनको जी भाइयों। तो ये कितने का दिया, क्या कहते हैं, किधर गया हुए? ये सुचा कितने का दिया इसने? सुचा हमें 400 रुपए का, पाकिस्तानी 400 रुपए का। इनकी ऐसी की तैसी लूट रहे हैं। आओ कितने वाला नोट, 5 रियाल, मतलब 750, 750 के हिसाब से लगा लो, 5 कितना बनता है। ये वो पैसे जाते हैं, वो कोई मोबाइल पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करने हैं, वो उधर आए हुए। मैंने कहा था ना कोई पता नहीं है, व्लॉग स्टार्ट कर लूँगा, जो जिधर का सीन बना वो मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि इधर अपन अकेला है तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए खाना बहुत मज़े का था, वल्लाह मज़ा आ गया कसम से। मैंने कल खाया फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा है कि आज फिर जाना है उधर खाना खाने दिन का, फिर इधर आया हूँ मैं दोबारा दिन का खाना खाने। तो जी अभी मज़ार पे आए हैं, मैंने कहा चलो इधर देखो, लिखा नो मनी टू बी पुट ऑन द टॉप। ये उनकी कब्र है, कब्र देखें जी। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है, ये पढ़ ले आप। ये मज़ार है उनका, तो ये उनकी कब्र है। तो आशा करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। मैंने क्या है रहा समंदर में जा के बैठे हैं थोड़ी देर टाइम गुजारे हैं, तो नमाज़ पहले नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लें यार, मस्जिद आ गई है, इधर रुक के नमाज शमाज़ पढ़ लेते हैं। तो जी आए थे अभी समंदर वाली साइड पे, थोड़ा बैठा इंजॉय किया, हवा शवा सही चल रही है, इधर आए हुए थे इस जगह पर। तो अभी वापस चलते हैं घर की तरफ, जो सीन होता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। साथ साथ रहिए हमारे, इंजॉय किया है। तो बस अभी ये नारियल शारियल पी के, तो आपको पता है इंजॉय फुल हो रहे हैं, नारियल ले रहे हैं, ये पिए के फिर चलते हैं। कज़न आया हुआ है, कज़न के साथ पप्पो का बेटा है माशाल्लाह, इसकी शादी है नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ बल्कि, तो ये जा रहा है रहा, बड़ा अफसोस है बेचारा। आज ही मिला है तो कह रहा है कि तू नहीं होगा शादी में, बस क्या करें, नसीबों की बात है, मेरा सीन ही नहीं था, बस हो गया। फिलहाल नारियल का इंजॉय लो है। हाँ, चस्सी बकरी है। ओहो, फाइनली आ गए हैं घर। तो आज का यही शुगल मिला था भैयो और उनकी बहनों, तो यहीं पे करते हैं व्लॉग भी एंड। पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ये है हमारी गली है, सोसाइटी है, 13 नंबर गली। हाँ जी 13 नंबर गली है सागरा जी, ये देखो मल्ला अपना। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा या नहीं आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि ऐसे भी व्लॉग चलेंगे या नहीं, अगर नहीं चलेंगे तो फिर नहीं बनाते, चलेंगे तो डन। अल्लाह हाफिज़।